और वहां पर लूट खसोट करने का कार्यक्रम करा है। मुझे बताए चाय बासा वाले, मोदी जी ने जो फंड आदिवासियों के लिए भेजा है, ट्राइबल के लिए भेजा है, जनजातीय भाइयों बहनों के लिए भेजा है, ये इनकी लूट खसोट के लिए हो सकता है क्या? आज मैं चायबासा के क्षेत्र के लिए अपना एक दुख लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खदानों के क्षेत्र में और विशेषकर आदिवासी भाइयों बहनों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया था। वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का प्राथमिक सूत्र था कि वो इसके लिए कल्याण होगा, इसके कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा जहां पर खदानों के कारण आदिवासी भाई बहन विस्थापित हुए हैं। हेमंत सरकार आई, उसने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के सारे नॉर्म्स बदलकर यहां पर उन्होंने इसमें एमपी एमएलए डीएमएफटी फंड में मनमानी योजना बनाकर खर्च किया। अरे हेमंत जी, चाय भाषा की आवाज सुन लो, ऐसा मत समझिए जनजातीय भाई बहन कुछ देखते नहीं है, समझते नहीं है। आपकी ये जेब भरने की योजनाएं उनको सब मालूम है। जब आप मैदान में आओगे चुनाव के, तब मालूम पड़ जाएगा। ये अर्जुन भाई बैठे हैं यहां पर, जनजातीय क्षेत्रों में आवास के क्षेत्र में 3 गुना वृद्धि हुई है। 1,30,00,000 आदिवासी भाइयों बहनों के घर में पीने का पानी पहुंचाया है। 1,45,00,000 घरों में शौचालय बनाए गए हैं। 3 करोड़ से ज्यादा जनजातीय किसानों को मोदी जी प्रति वर्ष 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजते हैं। और आदिवासी एकलव्य आवासीय विद्यालय एक कांग्रेस सरकार 167 छोड़कर गई थी, आज नरेंद्र मोदी जी ने 167 से 680 तक की बढ़ोतरी आदिवासी एकलव्य विद्यालय में की। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनजातीय कल्याण के लिए कमिटमेंट क्या है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन पूरा देश अब आदिवासी जनजातीय गौरव दिन के रूप में मना रहा है। और जब तक हमारा लोकतंत्र रहेगा, भगवान बिरसा मुंडा को न केवल जनजातीय भाई बहन, पूरा देश सम्मान के साथ 15 नवंबर को याद करे, इस प्रकार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज मैं चायबासा के क्षेत्र के लिए अपना एक दुख लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खदानों के क्षेत्र में और विशेषकर आदिवासी भाइयों बहनों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया था। वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का प्राथमिक सूत्र था कि वो इसके लिए कल्याण होगा, इसके कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा जहां पर खदानों के कारण आदिवासी भाई बहन विस्थापित हुए हैं। कुल मिलाकर देश भर में 63,858 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का आया और झारखंड के हिस्से 8,301 करोड़ रुपया है। रघुवर सरकार थी तब तक तो सब कुछ ठीक चला। हेमंत सरकार आई, उसने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के सारे नॉर्म्स बदलकर यहां पर उन्होंने इसमें एमपी एमएलए डीएमएफटी फंड में मनमानी योजना बनाकर खर्च किया और वहां पर लूट खसोट करने का कार्यक्रम करा है। मुझे बताए चाय बासा वाले, मोदी जी ने जो फंड आदिवासियों के लिए भेजा है, ट्राइबल के लिए भेजा है, जनजातीय भाइयों बहनों के लिए भेजा है, ये इनकी लूट खसोट के लिए हो सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, हो सकता है क्या? आप
इसके साथ समय दो क्या? अरे हेमंत जी, चाय भाषा की आवाज सुन लो, ऐसा मत समझिए जनजातीय भाई बहन कुछ देखते नहीं है, समझते नहीं है। आपकी ये जेब भरने की योजनाएं उनको सब मालूम है। जब आप मैदान में आओगे चुनाव के, तब मालूम पड़ जाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, इस क्षेत्र के अंदर घुसपैठ के माध्यम से, शादियों के माध्यम से जमीन हड़पाने का जो प्रयास चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और हम इसके खिलाफ संघर्ष भी करेंगे। मोदी सरकार ने झारखंड के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आयुष्मान भारत योजना, 90 लाख से ज्यादा लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, 14 लाख से ज्यादा आवास लाभार्थी, किसान सम्मान, 27 लाख से ज्यादा लाभार्थी, फसल बीमा योजना, 44 लाख से ज्यादा लाभार्थी, उज्ज्वला योजना, 33 लाख माताओं बहनों को गैस देने का काम किया, 40 लाख शौचालय देने का काम स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया। बाबा की नगरी देवधर में एम्स का निर्माण शुरू किया, देवधर, जमशेदपुर, दुमका और बोकारो में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ। इसके साथ साथ टाटा के दालभूमगढ़ में भी एयरपोर्ट बन रहा है, पतरातू में पावर प्लांट का निर्माण किया, रांची में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया, हजारीबाग, पलामू और दुमका में मेडिकल कॉलेज बनाए, चाईबासा और कोडरमा में बन रहे हैं। भाई मैं तो लंबी सूची आपको बताया। हेमंत भाई, एक बार आपने क्या किया वो जरा हमारे झारखंड के लोगों को बता देना। ऐसा मत मानिए भाई कि उसने कुछ नहीं किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने आदिवासी जमीन घुसपैठियों को देने का काम किया है। उन्होंने जनजातीय महिलाओं के अधिकार का रक्षण करने की जगह अपनी वोट बैंक की राजनीति करना तय किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया था, चाईबासा के लोगों का मूड मैंने देखा है। मुझे पक्का भरोसा है कि 24 में सिंहभूम सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मोदी जी ने इस देश के गरीबों का कल्याण किया, कोविड के सामने सुरक्षा दी, कोविड से जिन लोगों का नुकसान हुआ था, 2.25 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम किया, देश को सुरक्षित किया, देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया और झारखंड सरकार ने केवल और केवल भ्रष्टाचार करने का काम किया। मुझे बाबूलाल जी ने कहा सरकार बदल दो। बाबूलाल जी, लोकतंत्र है, सरकार मैं नहीं बदल सकता, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस बार जो परिणाम आने वाले हैं, झारखंड की सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन करने जा रही है, झारखंड की जनता परिवर्तन